कॉन्टिन्यूस एक्सप्लोजन हो रही है, कॉन्टिन्यूस बॉम्बार्डिंग्स हो रही है एंड बिल्कुल सड़कों पे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है. और हम लोग जहाँ शेल्टर्स में बंकर्स में स्टे कर रहे हैं, हम एक्चुअली मेट्रो स्टेशन में है बिकॉज वो अंडरग्राउंड है तो वो अभी के लिए सेफ है. बट क्योंकि हमारे पास वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम है, पानी वगैरह की प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स वगैरह बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि वहाँ इतने लोग हैं, टॉयलेट्स वगैरह गंदे वगैरह हो रखे हैं, तो फ्रेश वगैरह होने के लिए या कुछ खाना भी इकट्ठा करने के लिए हम लोग को फ्लैट आना पड़ता है वापस. तो हम लोग दो दिन से मेट्रो और फ्लैट के बीच में मतलब आ जा रहे हैं. तो इट इज वेरी रिस्की क्योंकि रोड पे आना ही मतलब एयर स्ट्राइक्स हो रही है, एयर अलर्ट्स हो रखे हैं, तो बहुत ज्यादा रिस्की हो रखा है ट्रैवल, मतलब जस्ट बाहर मूवमेंट करना कुछ भी. तो हमें ये है गवर्नमेंट से, जस्ट गवर्नमेंट से ये अपील है कि जल्दी से जल्दी कुछ भी हो सके तो हम लोग को यहाँ से किसी भी तरीके से इवैक्यूएट करवा दिया जाए. एंड सेकंड प्रॉब्लम इज हम लोग, हाँ जी, एक प्रॉब्लम सर और है कि हम लोग एक्चुअली ईस्टर्न साइड पे हैं, तो वेस्ट साइड से तो इजीली रोमानिया और हंगरी के थ्रू बॉर्डर्स पे जा रहे हैं. हम लोग ईस्ट साइड पे हैं, हमारे को उन बॉर्डर्स पे जाने के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी है जो कि हम बिल्कुल किसी बस ट्रक किसी भी जगह से कवर नहीं कर सकते हैं. तो हम लोगों को जो चाहिए इवैक्यूएशन वो हमें यहाँ से नियर बाय चाहिए कि हम लोगों को यहीं से कैसे भी पॉसिबल हो तो यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हम लोगों के लिए एब्सोल्युटली रोड्स पे ट्रैवल करना थ्रू कार्स, थ्रू टैक्सी, ट्रक, ट्रेन, कुछ भी, लाइक इट्स वेरी रिस्की. तो हम लोगों को ऑप्शन ले ही नहीं सकते हैं, एंड क्योंकि ट्रैवल टाइम भी बहुत है एंड रिस्क उतना ही एयर स्ट्राइक्स का रिस्क है, तो इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर अस टू गो टू द वेस्टर्न साइड. और कितने कितने स्टूडेंट है वहाँ पे अगर हम बात करें तो? बहुत, वैसे टोटल इंडियन बच्चा तो 10,000 से 15,000 इंडियन बच्चा सर यही फंसा हुआ है, सिर्फ ईस्टर्न साइड ही आप मान के चलो. अकेले जहाँ हम रह गए फिलहाल खाटू सरपनिया स्टेशन पे रह गए, वहाँ पे हम 2,500 से 3,000 बच्चा, जी 2,500 से 3,000 बच्चे सरपनिया स्टेशन मेट्रो स्टेशन पे है, और कुछ हॉस्टल्स में बंकर्स में रह गए. हॉस्टल वालों को खाना प्रोवाइड हो रहा है फिलहाल, पर हमें खाना खाने के लिए मेट्रो स्टेशन से सरपनिया मतलब जहाँ पे हमारे फ्लैट्स है वहाँ आना पड़ता है, और बीच की जो दूरी है वहाँ पे कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी भी. वही दिक्कत है सर, क्योंकि जो होस्टल्स हैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर वाले रखे गए हैं उनको एब्सोल्युटली बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, अभी अभी नए नए आए हैं वो, तो उनके साथ हमारी यहाँ की टीम है प्रेजेंट फर्स्ट ईयर वालों के साथ, एंड नियर बाय मेस है तो उन लोगों को मेस से खाना प्रोवाइड कर रहे हैं. बट हम लोगों को यहाँ पे खाने वगैरह की पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमें फ्लैट तक आना पड़ता है सामान वगैरह लेने, और ग्रोसरी स्टोर्स के आगे बहुत लंबी लाइन है, ज्यादा देर बाहर भी खड़ नहीं सकते. जो पानी के टैंक है वो भी खत्म हो रखे हैं, क्योंकि कोई टैंक फिल करने ही नहीं आ रहा, पानी के टैंक्स बिल्कुल खाली है. ठीक है बेटा, शेलिंग की वजह से, शेलिंग एयर स्ट्राइक्स की वजह से. एक और चीज है, गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि आपको बॉर्डर्स की तरफ आना पड़ेगा खुद से, उनसे प्लीज कहिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. हम 10 मीटर नहीं चल सकते, वो हमें 1500 किलोमीटर आने को कह रहे हैं. यहाँ पे कोई टैक्सी कोई ट्रेन नहीं चल रही, बसेज है उनमें फ्यूल्स नहीं है, फ्यूल्स एकदम यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया हर जगह से, कुछ भी नहीं है. तो गवर्नमेंट को कहिए प्लीज बार बार ये कहना बंद करे कि हम बॉर्डर तक पहुंचे, हम यहाँ पे अपने मेट्रो स्टेशन से फ्लैट तक नहीं पहुँच पा रहे. और कल तो भी जब हमने ट्रैवल किया, जैसे ही हम लोग जस्ट सड़क पे आए क्योंकि मेट्रो जाने के लिए, तो 30 शॉट्स की बिल्कुल एक्सप्लोजन हुई, हम लोगों को सत श्रीकाल. मेरा नाम रिता है, मेरे फ्रेंड्स उत्ते स्टक ने, असी थोड़ी 24 तरीक नूं असी इत्थे लैंड हो गए सीगे अमृतसर दे विच. बाकी जिहड़े साडे फ्रेंड्स कईआं दी जिहड़ी फ्लाइट सीगी ओह लेट दी सीगी, ते ओह कीव स्टक ने, अद्धे जिहड़े खारकी विच स्टक ने उहनां दी फ्लाइट सीगी, ते उहनां दे नाम वगैरह इह रहि गए. जिहड़े कीव स्टक ने ओह कम से कम इक है, दो बच्चे अंबैसी दे लागे स्टक ने, अनमोल गुप्ता ते चंदन अरोड़ा. बाकी विपुल मालिया, सार्थक उपाध्याय, मुदित बेदी, संकल्प सिन्हा, रुचिका, कनिका, मोहक महापत्रा, ये कीव दे विच ही ने, इन्हां नूं पहला कढ़िया जावे. नाले फिर खारकीव दे विच बाकी बच्चे ने, रमनीक, भानवी, चाहत अहितान, जसमीत, अनमोल, करण करोटैनिया, इतिका, प्रगुन, संदल लाथर, सार्थक, गुरलीन कौर, जसवीर सिंह, सुखप्रीत कौर,
अमृत सैनी हरमन सैनी ये सब जेड़े आ खारकी विच हले स्टक ने बाकी हां जी केडी क्लासेस पढ़ रहे ने ते केडी पढ़ाई उते कर रहे ने इधर कैमरा देख के ए असी सारे उते एमबीबीएस करदे पे हैगे आ जेड़े मेरे फ्रेंड्स ने थर्ड ईयर दे क्योंकि मैं थर्ड ईयर दी हां बाकी जेड़े साडे नोन ने जिदा फोर्थ ईयर दे कोई नोन ने कोई सिक्स्थ ईयर दे नोन ने वो सब उथे स्टक ने हैगे कोई सेकंड ईयर दे ने जेड़े उथे स्टक ने लकीर ते खारकी दो दोवां च डिस्टेंस किन्ना वा जिन्ना इधरो दिल्ली दा डिस्टेंस है उन्ना की ही डिस्टेंस है क्योंकि वो कैपिटल है 8 घंटिया का डिस्टेंस कह लो बस से खुद डरदे पे आ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਨ ਸਰ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਡਰਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਵ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਰਕੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਕੀਵ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਕੀਵ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀਵ ਦੇ ਕੀਵ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ समान रखता से मेट्रो की जिहड़ी हुंदी ना जिथे मेट्रो चलती है उत्थे बैठे हुए ने सारे ठीक है फिर जो मतलब के उन्होंने नॉर्मलाइज लगती सिचुएशन वॉशरूम वगैरह जाना होंगे फिर फ्लैटा जिन्हों के फ्लैट नियर बाय होंगे उन्होंने फ्लैटा च जाते हैं अपना वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं खाना खाते हैं फिर जो नॉर्म देखते हैं कि हाँ बाकी थोड़ा ठीक है फिर भज के आएंगे अपना समान वगैरह थोड़ा जा जैकेट तो वो लैके हाँ उन्होंने ए टी एम सब तो पहला बंद हो गए हैं उस तो बाद जो राशन है वह महंगा बहुत ज़्यादा कर दिया गया है तो उन्होंने को थोड़ा बहुत पहला तो उन्होंने निकलना सगा तो उन्होंने इन्ना बचा के थोड़ी रखिया से क्योंकि उन्होंने तो पता से उन्होंने इंडिया आ जाना है तो उन्होंने राशन रूशन ही नहीं रखिया इन्ना तो नाले ठंड च ने बहुत ज्यादा उत्ते माइनस का टेंपरेचर चल रहा है वापिस सदो पहला सब सारे दोस्तों पहला वापिस सदो मेरा नाम डॉक्टर मीनू बेदी है ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮੋਦਿਤ ਬੇਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਮਾਰਾ ਬੇਟਾ ਤੋਂ ਉਸਕੀ ਫਲਾਈਟ 24 ਤਰੀਕ ਕੀ ਥੀ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਥੇ ਉਹ ਕੀਵ ਮੇ ਜੋ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 에어ਪੋਰਟ ਮੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ 에어ਪੋਰਟ ਪੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਉਨਕੋ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ तो इस वक्त अराउंड 40 स्टूडेंट्स थे उस फ्लाइट में जिन्होंने आना था तो वो सारे बच्चे अब वहाँ पे ही हैं तो वहाँ पे अब उनके पास प्रॉब्लम ये है कि इंडियन एम्बेसी में इतनी जगह भी नहीं है कि सारे बच्चों को अकोमोडेट किया जाए और दूसरी बात ये है कि बच्चे कुछ उन्होंने बच्चे इनके कोई हरदीप सर हैं उन्होंने एक फ्लैट रखा है तो कुछ बच्चे उस फ्लैट में शिफ्ट कर दिए हैं इन्होंने तो प्रॉब्लम अब यही आती है कि जब एक तो एटीएम बंद हो गए हैं वहाँ पे अगर हम यहाँ से पैसे भी भेजें बच्चों के पास कोई सोर्स नहीं है कि वो अपने पैसे भी ड्रॉ कर सकें ऊपर से वहाँ पे जो चीज़ें इस वक्त महंगी बहुत हैं बच्चे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हर तरफ बॉम्बिंग हो रही है और जब भी बॉम्ब बजता है इनको सायरन मिलता है ये सारे बेसमेंट में चले जाते हैं तो बेसमेंट में ठंड बहुत है और माइनस टेम्परेचर है बच्चों के पास इतने मतलब इन्होंने तो सोचा था कि हम इंडिया पहुंच जाएंगे मगर 1 घंटा पहले जब फ्लाइट कैंसिल हो गई तो इनके पास तो अब इतना ही सामान भी नहीं है और थोड़ी अब अभी तक तो कोई राशन की इतनी प्रॉब्लम इनको नहीं आई मगर आने वाले दिनों में आ सकती है तो हम प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको जल्दी से वहाँ से निकाला जाए ताकि बच्चों को क्योंकि अब इनकी हिम्मत भी टूट रही है पहले बच्चे एक दूसरे के सहारे और हमें हम जब घबराते हैं तो हमें कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर हमें पता है हम इनको प्रॉब्लम तो इनको है तो ये सिर्फ इनको होता है कि हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से जल्दी इवैक्यूएट कर दें वो कीव तो कैपिटल है कैपिटल में इस वक्त सारा मीडिया देख रहा है कैपिटल में क्या हाल है
तो प्लीज़ हम उनकी सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी सर से मिलने आए थे मगर हमें मिले नहीं वो, पता नहीं रीज़न क्या है, बट हम चाहते थे कि हमारी बात उन तक पहुंचे ताकि वो आगे कन्वे कर सकें। मेरा नाम पोमिला है, मेरे बेटे का नाम अनमोल है, खादकी उच्च रहा पे है, तो असी इतने सरकार अगर यह अपील करने पे कि साडा बच्चा सही सलामत वापस आवे। मुश्किल उत्थे बच्चों किसी वे चाह पानी की कोई इतने कोई खाने पीने की टेंशन होंगी है, कोई बच्चे को पैसे मुक गए ने, तो बच्चे परेशान होंगे पे साढ़े उत्थे। हाँ जी 3 साल तो बच्चा रहा पे जी, 3रा साल हूँ होने वाला है, 2.5-3 साल हो चले हैं। गवर्नमेंट से असं यही डिमांड करते हैं कि साडा बच्चा ठीक ठाक वापस आवे, जल्दी तो जल्दी इतने उन्होंने इतने भेजा जाए, साडा बच्चा उत्थे परेशान होंगे, सारे बच्चे परेशान होंगे, पहल के आधार पर सानू भेजा जाए बच्चे। प्रभजोत कौर, ये राजेश मेरे हसबेंड, बेटी का नाम, बेटी साड़ी यूक्रेन है, MBBS करती पी है, 3rd ईयर च है, 3rd ईयर। मुश्किल देखो बच्चे तो खुद स्ट्रगल करते पे, बच्चे साढ़े बहुत बोल्ड है, वो कहते पे कि कुछ नहीं है इतने तुम घबराओ ना, चलो ठीक है उत्थे कहते सिविलियनस नू कुछ नहीं कह रहे, पर बच्चों वास्ते एक प्रॉब्लम यह है कि वह कदे बंकरस दे विच जांदे पे है तो फिर कदे अपने रूम च आते पे है, क्योंकि इन्हों मैट्रो स्टेशन रखे है, तो मैट्रो स्टेशन किन्ना क बच्चा रह सकता है, रात में उत्थे आ जाते हैं तो सवेरे फिर वापस अपने रूम च जाते हैं, उत्थे खाना वगैरह बना के, खाने का अरेंजमेंट इन्हों का अपना ही है, अपने कोल जो राशन है उही बनाते पे है, बाहरों राशन तो नहीं है, राशन तो नहीं है। कारण पता की है कि अज 26 नूं फ्लाइट सी बची दी ना, अज वापस आनी सी उन्हें, लेकिन ये सोच के उन्होंने खाना जो इकट्ठा किया मका लिया पहले कि असी चले जाना वा, तो वो खाना आलमोस्ट खत्म कर लिया, लेकिन फ्लाइट तो 2 दिन पहला प्रॉब्लम आ जाती है, तो उन्होंने स्टोर वगैरह भी सारे बंद हो गए, हूँ खाने जो थोड़ा बहुत है बस वो टाइम पास कर दे, खाने की है चॉकलेट वगैरह रखी हुई अं जड़ियाँ लैके आनियाँ सुनिए घर कहिंदियां कि उही खा के गुजारा कर रहे, खाना भी उन्होंने को नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी संस्था हूँ उत्थे अगे नहीं आ रही उन्होंने बच्चों की हेल्प करने वास्ते, फोन पर भी होंगी है लेकिन चैटिंग से ही होंगी है, क्योंकि वो बच्चे भी कहते हैं कि एक तो चार्जिंग की समस्या होंगी उन्होंने फोन पर, क्योंकि उत्थे मैट्रो चार्जिंग नहीं हैगी, दूसरी उन्होंने को डाटा भी नहीं है कि ज़्यादा देर तक फोन पर गल कर सकी, डाटा भी नहीं है, तो चैटिंग से थोड़ी भी गल हो जाती बच्चे ने, आस्था सर यही सी कि साड़ी आवाज़ जी अगह पहुँचाई जाए कि बच्चों सेफली लिया जाए, लेकिन अज डिस्चार्ज मिले नहीं गए, शनिवार है छुट्टी होने करके, तो साढ़े अपने दिमाग जितना तो गया दिन ही भुल गया कि शनिवार है वा, तो असी तो मतलब कि रूटीन च आ गए कि डिस्चार्ज मिलेंगे, लेकिन वो अज सू मिल नहीं पाए।